नमस्कार दर्शक बंधु गाँ हाँडीशाला यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत आज मुझे नहीं आसी पूरापूरी नुआ प्रकार रेसीपी दही बैगण पकुड़ी बैगण कढ़ी भी कहीपरि दही बैगण दही भेंडी दही पकुड़ी खाई किंतु केवे दही बैगण पकुड़ी खाई कि यहाँ हूँ मो निज मनर रेसीपी मुझे चेष्टा कै कि नूतन एवं अलग प्रकार करने जदि मो चैनल नुआ अच्छा नुआ नुआ रेसीपी देखा चाहते प्रथम गाँ हाँडीशाल चैनल को सब्सक्राइब करनी एबे आमे बैगण कड़ी पे आवश्यक सामग्री प्रस्तुति प्रणाली देखि नबा देखंतु सेथिपाय मु दुईटा बैगण नै छी दही दुई कप नै छी दही रो परिमाण एठे टिके बेसी रहइबो चना डाली गोटे चमच बिरी डाली गोटे चमच कंचा लंका दुईटा नै छी मजुरी उपर फाळ करि नै छी जीरा हाफ चमच सोरिषा हाफ चमच बेसन ये मुझे गोटे कप नहीं भुसंग पत्र भजा जीरा लंका गुंड कटा धनिया पत्र हल्दी गुंड स्वाद अनुसार लुण देखो तो बैगन को ये छोट छोट साइज मु काटि नहीं प्रथम गोटे बाउल नवा से आम बेसन देद ये मुझे बेसन तीन चमच नेली बेसन देला परे हल्दी गुंड लुण देद धनिया पत्र भी अल्प देद से अल्प पा दे कि आम बेसन मिश्रण प्रस्तुत कर नवा एम आउटे पा देद देखो एबे तो बेसन मिश्रण प्रस्तुत हो गला एबे आमे काटिक रखी बैगन को छाणिक सेद बैगन को बेसन मिश्रण सहित गोल देखु यही रखिए बेसी बहलिया रखिए कि बेसी पाया रखिए एबे तो बैगन पकुड़ी छाणिया तेल गरम करें बैगन को ये गोटे गोटे करद देखो एवं आम बैगण गोटे सैड हो गला एम आरपट सैड के ओल्टई नवा यह लगातार एपट सेपट कर देखु एम बैगण पकुड़ी हो आसला देखु एवं तो आम बैगण पकुड़ी हो आसला एम तेल रु छाणि नवा से समान प्रणाली रे बलकार रही बैगन को मध्य छाणी नवा बैगन पकुड़ी की एपरि प्लेन भी खाईपर एमती खाइले भी बहुत भल लगी देखु एवं आमर ए बैगन पकुड़ी भी हो गला आखु मध्य तेल रु छाणी नवा एवं आम तेल को साइड कर नवा आ गोटे कड़ाई बसई नवा एवं तो कड़ाई गरम हो गला कड़ाई गरम हवा भितर बलका रही बेसन आण से एवं आम दही देद लुण हल्दी भी देद जदि पकुड़ी छाणला बेले बलका बेसन आण रोनी ताल आउ दुई चमच भली बेसन दे कि यह मिश्रण प्रस्तुत करने पे एबे हमें आउ से पा देद देखो ये मुझे पूरा पूरी गोटे ग्लास पा नहीं बलिया लगुच आउ हाफ ग्लास पा देदे कढ़ीपाई बहुत पाया रखा दरकार देखु कड़ाई गरम हो गला से मुझे दुई चमच भली तेल देदे एवं तो तेल गरम हो गला चना डाली बिरी डाली सोरस जीरा को फुटाई नवा यह सब फुटि आसला एम कंचा लंका भुसंग पत्र को देद देखु एवं तो यह सब भाजी आसला एवं आम गैस बंद कर नवा
ଏସବୁକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଛୁଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଦହି ବେସନର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଥଣ୍ଡା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଲେ ଦହି ଫାଟି ନଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ସେ କଡ଼େଇକୁ ବସାଇ ନେବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇ ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହଳିଆ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ପକୁଡ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ପଛବେଳକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ିକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କଢ଼ି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଭଳି ହିଁ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଇଗଣ କଢ଼ି ରେସିପି ବା ଦହି ବାଇଗଣ ପକୁଡ଼ି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।